and Suprasha is back for the last goodbye. So inner line permit ban chuka hai. There is a requirement of ILP to get into Arunachal Pradesh. That's a mandate. The distance is 325. Lagne wale hai 6 ghante 30 minute ke aaspaas. फर्स्ट टाइम जियो वाले पेट्रोल पंप से भरा है, जियो बीपी वाला। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र अब क्रॉस करने वाले हैं, ब्रिज आ रहा है सामने। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीपुरद्वार। और सुबह के बज रहे हैं अराउंड 8:45। हम लोग उठ चुके हैं, मिकला इज गेटिंग रेडी, इसके बाद मैं रेडी होने जाऊंगा। और थोड़ा सा आपको पीछे का सीन दिखा देता हूँ, खिड़की के बाहर बहुत सुंदर बैकग्राउंड है। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी सुंदर बैकड्रॉप है। और आज का डेस्टिनेशन होने वाला है गुवाहाटी। गुवाहाटी में मेकला की फ्रेंड है मितका, हम उनके घर में रुकने वाले हैं फॉर द नाइट्स स्टे। और वहाँ से हम नेक्स्ट डे निकलेंगे टूवर्ड्स देरांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो इनर लाइन परमिट बन चुका है, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ILP टू गेट इन टू अरुणाचल प्रदेश। दैट्स अ मैंडेट विच आई हैव ऑलरेडी डन इन एडवांस। आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजियर समवेयर ड्यूरिंग द ट्रिप, और मे बी आई विल अटैच सम डॉक्यूमेंट्स एज टू हाउ टू डू इट। ठीक है, सो ये है अब तक का सीन। जल्दी से मैं रेडी होता हूँ और सामान कार में डाल के फिर से आपको मिलता हूँ GoPro पे। ऑल राइट, सो ऑल सेट टू लीव। इट्स 10:41 इन द मॉर्निंग एंड सुप्रशा इज बैक फॉर द लास्ट गुड बाई। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम अलीपुरद्वार एंड ऑफ वी गो टूवर्ड्स गुवाहाटी। सी यू गाइज ऑन द रोड। ऑल राइट, सो ऑफ वी गो टूवर्ड्स गुवाहाटी एंड द डिस्टेंस इज 325। लगने वाले हैं 6 घंटे 30 मिनट के आसपास। उम्मीद करता हूँ उससे पहले ही हम पहुँच जाएंगे। और वेदर काफ़ी सुहाना सा है, इट्स स्लाइटली सनी, थोड़ा हेज भी है। और रास्ते काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे सामने के। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा और चलता रहे आगे। So we just entered Assam. You can see, welcome to Assam. Assam वाला जो पेट्रोल पंप है वो लेफ्ट साइड में कहीं पे है। सो यहाँ पे अब जो पेट्रोल के रेट्स होंगे वो आसाम वाले चलेंगे। सो वी आर ऑफ फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एंटर्ड आसाम फाइनली। सो डेस्टिनेशन इज गुवाहाटी एज आई सेड। तो अब चलते हैं आगे। रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, अबव एवरेज रोड्स है, 4 लेनिंग है, प्रॉपर डिवाइडर है। बीच में थोड़े गाँव वाँव आ जाते हैं, बट बाकी सब बढ़िया है। ओके जी, तो हो गया फिलअप। फर्स्ट टाइम जियो वाले पेट्रोल पंप से भरा है, जियो बीपी वाला। और अब निकलते हैं टूवर्ड्स गुवाहाटी। काफ़ी अच्छा सेटअप है वैसे। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया हम लोगों ने। ये पीछे छोटा सा रेस्टोरेंट है, सुंदर सा था, वहाँ पे बस हल्का फुल्का कुछ खा लिया। और अब चलते हैं टूवर्ड्स गुवाहाटी। वो लोग वेट कर रहे हैं, मतलब मेकला के जो फ्रेंड है वो लोग वेट कर रहे हैं। सो जल्दी से निकलते हैं आगे और मिलता हूँ आपको रोड पे। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र अब क्रॉस करने वाले हैं, ब्रिज आ रहा है सामने। मैप में काफ़ी बड़ा बना हुआ है, पता ही होगा आपको कि ब्रह्मपुत्र छोटा मोटा रिवर है नहीं, बहुत ही बड़ा रिवर है जो कि चाइना से ओरिजिनेट होता है। ऑलराइट गाइस, सो ब्रिज ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र।
वेलकम टू गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, अब बस बढ़ रहे हैं हम डेस्टिनेशन की तरफ जहां हमारा स्टे होगा। मेकला की फ्रेंड है, वो हमारा वेट कर रही है, वहां जा रहे हैं हम लोग। शायद मैं बहुत बार रिपीट में बोल चुका हूं, बट आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस। दिस इज द गुवाहाटी सिटी एंड वी जस्ट टुक द एयरपोर्ट वाला एग्जिट एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स देयर प्लेस। वैसे रोड्स अच्छे हैं असम के, आई मस्ट मेंशन दैट। सिर्फ जो एक्सपेंशन जॉइंट से ब्रिजेस पे सिर्फ वो वाला पार्ट खराब है, बाकी ओवरऑल एसफॉल्ट रोड है और काफ़ी अच्छा खासा सरफेस है। सो ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं लगा, हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता इस रोड पे, विच इज़ अ गुड थिंग। सो हम लोग NH 27 से आए हैं और ये अब हम जिस रोड पे हैं इसको NH 37 बोलते हैं। सामने सनसेट हो रहा है, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सन। सो हम लोग ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच ही गए हैं, अनदर 1.1 किलोमीटर लेफ्ट। काफ़ी सुंदर सा सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे, थोड़ा सा विलेज टाइप का फील है और बहुत साफ़ सुथरा है असम। इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट असम आई फेल्ट। बहुत सफाई है हर जगह पे, बहुत सफाई है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। ओके, और एक चीज़ जो मेंशन करने लायक है कि ओके वी हैव कम फर्दर ईस्ट, तो अब 5 भी नहीं बजे और अंधेरा लगभग हो चुका है, मतलब होने लगा है। कैमरे में तो खैर थोड़ा ब्राइट लगने वाला है, उतना अंधेरा नहीं समझ में आएगा, बट इट्स एक्चुअली स्टार्टेड टू गेट डार्क एंड सनसेट तो डेफिनेटली हो चुका है। सो या अगेन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे ही जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं।